नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया था कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो बैच वाइज जो है 3,000 टीचर्स की भर्ती कर रही है, जिसमें मैंने ब्रेकअप बताया था आपको और साथ में ये भी बताया था कि जो 2,000 पोस्टें कमीशन के द्वारा भरी जाएंगी। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी जानकारी दी थी कि 15% जो पोस्टें हैं वो प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी, जो कि JBT 2 TGT प्रमोशन होगी। उसको लेके आज जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला के द्वारा जो है एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि जो टेंटेटिव पैनल ऑफ TET पास इन सर्विस JBT का जो है इसमें डिटेल दिया गया है, जिनको कि एज अ TGT आर्ट्स प्रमोशन के लिए कंसीडर किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये टेंटेटिव पैनल बना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इन सभी लोगों की जो है प्रमोशंस हो जाएंगी, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली जो जितनी जो है वैकेंसीज रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो उनको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ये एक पैनल तैयार किया है जो डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके द्वारा, और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर किसी को भी इसमें ऑब्जेक्शन हो तो वो 22 जून 2023 तक जो है अपने जो ऑब्जेक्शंस जो हैं वो डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकता है, सो दैट कि जो भी इसमें मॉडिफिकेशन या कुछ इसमें चेंजेस होने हो तो उसको किया जा सके। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो पैनल तैयार किया गया है, टेंटेटिव पैनल ऑफ TET पास इन सर्विस JBT टीचर्स का, जिनको टू बी प्रमोशन जो प्रमोट किए जाने हैं TGT आर्ट्स को लेके, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हो कि इसमें सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जो टेंटेटिव पैनल है वो TET पास जो JBT टीचर्स हैं जिनके पास BA BCom एंड BEd डिग्री जो है और उसमें जो उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी जो है मेरिट जो है प्रिपेयर की गई है, जैसे कि ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट देखा गया है और मार्क्स ऑब्टेन इन JBT एग्जामिनेशन, और ये देखा गया है कि JBT जो एग्जाम था उसमें कितने जो हैं उनके मार्क्स जो हैं। तो मैं ये कहने का ये मेरा मतलब है कि जो पैनल तैयार करने का जो बेस है वो पहले तो ये है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी कब है, व्हेन यू वर अपॉइंटेड एज अ JBT, उसको देखते हुए उस सीनियरिटी भी देखी जाएगी, साथ साथ में आपने कितने मार्क्स जो हैं JBT एग्जामिनेशन में पास ऑब्टेन किए थे वो भी इसमें देखा गया है। तो ये दो बेसिस इसमें रखे गए हैं, साथ में ये तो है ही कि आपका की जो क्वालिफिकेशन है वो BA BCom एंड BEd डिग्री होनी चाहिए और आप TET क्वालिफाई होने चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो कि लेटर में बताया गया है कि यू आर देयर फॉर डायरेक्टेड टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ ऑल द कंसर्न्ड अदर JBT अपॉइंटेड इन द सेम प्रीवियस ईयर्स पोजेसिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ TGT आर्ट्स। ऑब्जेक्शन इफ एनी फ्रॉम द इंडिविजुअल विल बी एंटरटेन इन दिस डायरेक्टेड अप टू 22 जून तक जो है इसको कंसीडर किया जाएगा। तो अगर कोई भी इसमें रह गया है तो वो जो है अपना जो ऑब्जेक्शन जो है इसमें डायरेक्टेड में वो पुट अप कर सकता है और उसको, लेकिन उसको 22 जून से पहले पहले ये करना होगा। तो अभी मैं लिस्ट भी आपसे शेयर कर देता हूँ। हाँ, जैसे ये देखिए आप देख पा रहे होंगे जैसे कि सबसे पहले तो इन्होंने टीचर्स का नेम और कहाँ पे वो करंटली पोस्टेड है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग है वो कंसीडर की है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उसके वो किया है। तो ये सारी डिटेल्स आप देख पा रहे हो, तो मैं अभी सभी के नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा पॉज दूंगा हर एक पेज के लिए सो दैट कि आप इसको पढ़ पाएं और देख पाएं कि क्या आपका नाम जो है इसमें है या नहीं है। अगर नहीं है और आपको लगता है कि मैंने तो इनसे पहले ज्वाइन किया था जिनका नाम इसमें है, तो और आप वो सारी एलिजिबिलिटी आपके पास है,
एक टीजीटी आर्ट्स प्रमोट होने के लिए जो चाहिए होता है, तो आप अपना ऑब्जेक्शन जो है डायरेक्टरेट ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं 22 जून से पहले पहले। तो देखिए पूरा डिटेल इसमें दे रखा है, काइंडली आप इसको रीड आउट कर सकते हो। इसमें सभी जो कैटेगरी भी इसमें बता दी हुई है कि जैसे एससी एसटी है, तो क्योंकि ये जो पोजीशंस रहती हैं जो प्रमोशन होती हैं, ये इसमें जो उनकी कंसर्न जो कैटेगरीज होती हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है, उस हिसाब से भी इसका ब्रेकअप होता है। सारा जो है ये 15% होता है, लेकिन उसमें 15% में कितने उसमें एससी एसटी जनरल ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये सारा जो है आरएनपी रूल जो रहते हैं, जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही ये सारा कुछ किया जाता है। लेकिन हो जाता है कई बार कोई छूट जाता है, तो आप देख सकते हो कि आपका नाम इसमें आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो आप उसके बारे में आगे जो है उस चीज़ को ऑब्जेक्शन को लेके 22 जून तक जो है आप अपना सबमिट कर सकते हो। ये जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ ये उन टीजीटी टीचर्स की हैं जो इन सर्विस है ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और वो टीजीटी आर्ट्स के लिए जो है करंटली वो जेबीटी एज अ जेबीटी वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो टीजीटी आर्ट्स की जो है क्वालिफिकेशन भी रखते हैं, जो कि बीए बीकॉम और बीएड होना चाहिए, और साथ में टीईटी भी आपका जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। टीईटी की मैं बात करूं तो टीईटी आपका टीजीटी जो है आर्ट्स के लिए जो लिया जाता है वो पास होना चाहिए, ये ध्यान रखें इस चीज का। ये जो पैनल है ये टेंटेटिव है, और अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन आता है तो नो डाउट इसमें बदलाव किया जाएगा, जहाँ पे उस नेविटी में उसकी बनती है वहाँ पे उसको प्लेस किया जाएगा। और ये जो लिस्ट है हम देख पा रहे हो जैसे कि 188 तक हम यहाँ पे आ गए हैं, तो देखते हैं अभी ये कितने और लोग हैं, कितने और टीचर्स हैं जिनको इस पैनल में डाला गया है। और ये इस तरह से एक मेरिट लिस्ट बन गई है, एक पैनल बन गया है, अब इसके अकॉर्डिंगली जितनी वैकेंसीज आएंगी उस हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट जो है मतलब प्रमोट किया जाएगा। बाकी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में शेयर करूंगा, वहां से भी ये जो पूरा लेटर जो है डाउनलोड कर पाओगे। हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इसमें है, क्योंकि जो टीजीटी जो रहता है उसका स्टेट कैडर रहता है, उसको स्टेट में कहीं भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे जेबीटी की बात करें तो उसका जो है डिस्ट्रिक्ट कैडर रहता है, अभी जो हम 316 तक पहुंच चुके हैं, देखते हैं आगे कितने और कैंडिडेट्स हैं। T77, 378, 385। हाँ, तो जैसे ये मेरे को लग रहा है सबसे लास्ट पेज है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके द्वारा जो है 385 385 जो जेबीटी टीचर्स हैं
उनका जो है टेंटेटिव पैनल में नाम डाला गया है, और ये इसका जो पैनल जो है, इसका बेस जो रहा है तैयार करने का, इस प्रमोशन पैनल का, तो ये रहा है कि जो ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एज अ जेबीटी एंड आल्सो द मार्क्स ऑब्टेंड इन जेबीटी एग्जामिनेशन, तो ये चीजें इसमें कंसीडर की गई हैं। अगर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन हो इसमें, तो जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वो वहां तक जो है अपने जो डायरेक्टेड एलिमेंट्री एजुकेशन है, वहाँ 22 जून तक जो है अपना केस जो है वो पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।